हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एग्जाम वाला। साथियों, इस वीडियो में हमारा जो बिहार पीसीएस के लिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसी का ये पार्ट नंबर 5 है। इस वीडियो में हम 2020 से लेके 1992 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं जीके जीएस से जुड़े हुए और बिहार स्पेशल से जुड़े हुए उनको हम शामिल कर रहे हैं। ये क्लास जो है 67 नंबर के जो बीपीएससी एग्जाम है जो कि आपका जनवरी में होने वाला था, अब आई थिंक वो फरवरी लास्ट या फिर मार्च में ही होगा, तो उसके लिए ये वीडियो है। इसको शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और हमारे वेबसाइट पर विजिट कर जाएं, जिससे क्या होगा कि आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर से जुड़े हुए कई सारे कंटेंट मिलेंगे, स्टेट पीसीएस से जुड़े हुए आपके करंट अफेयर और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम के लिए भी मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड होंगे। इसके अलावा हमारे फ्री डाउनलोड सेक्शन पे जाके आप यहां से एनसीईआरटी बुक्स, एग्जाम सिलेबस और योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि पूरा का पूरा निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो एक भी पैसे नहीं देने हैं आपको, फ्री में सब कुछ डाउनलोड करना है तो वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, जहां पर टाइटल दिख रहा है उसके नीचे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले 4 क्लासेस अपलोड हो चुके हैं, उन चारों क्लासेस को जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज जो है साइंस के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर वाले आपके बिहार स्पेशल के भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता जो है वह किस उपकरण से नापी जाती है? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है ये आर्द्रता को मापने के लिए एक मापक है। ठीक है, देखिए वायु में उपस्थित नमी की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता क्या है? जो वायु में उपस्थित नमी है, कहते हैं ना आर्द्र। आर्द्र क्या है? वो नमी है जो वायु में उपस्थित होती है, तो उसी की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। और इस आर्द्रता को किससे नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। ध्यान रखिएगा, हाइग्रोमीटर, यहाँ पर ड्रो लिखा है, यहाँ पर ग्रो लिखा है, केवल एक अक्षर का अंतर जो है आपको सफल और असफल बना सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हाइड्रोमीटर है ऑप्शन ए, ये वाला जो है, इससे जो है द्रव का घनत्व मापा जाता है। क्या नापा जाता है? द्रव का घनत्व मापा जाता है इससे। बात करते हैं पायरोमीटर की, तो पायरोमीटर साथियों, पायरोमीटर से किसी वस्तु की सतह के जो हाई टेम्परेचर होते हैं यानी कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा यानी उच्च तापमान होते हैं उसको मापा जाता है। लैक्टोमीटर तो आसानी से बता सकते हैं, लैक्टोमीटर जो है वो दूध के घनत्व की माप करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसे क्या होता है, उस दूध की शुद्धता को बताता है कि उसमें पानी कितना मिलाया गया कितना नहीं, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है? इन पांचों ऑप्शन में से दाब की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। देखिए फार्मूला क्या होता है, दाब का बल बटे क्षेत्रफल, क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर। तो चूंकि यहां पर दाब का फार्मूला है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का क्या होता है? न्यूटन मीटर। ठीक है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का जो फार्मूला क्या होता है, क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो अगर दाब निकालना भी हो, बल दिया गया हो, क्षेत्रफल दिया गया हो, तो आप इससे दाब निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, अब आपका जो है बिहार स्पेशल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बिहार विशेष से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? तो साथियों, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राजगृह यानी कि राजगीर में। ठीक है, पहली जो बौद्ध संगीत हुई थी वो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद हुई थी। संगीत का मतलब एक आयोजन जहां पर सभी ज्ञानी महात्मा लोग जो है इकट्ठा होते थे। ये जो संगीत हुई थी ये मगध के जो शासक अजातशत्रु था उसके शासनकाल में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, और सप्तपर्णी एक गुफा थी वहीं पर हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। किसने किया था? महाकश्यप ने। ठीक है, महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रख लीजिए कि इसमें दो शिक्षाओं का संकलन किया गया था बुद्ध की, एक को सुत्त पीटक कहते हैं और दूसरे को विनय पीटक। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है, बुद्ध की शिक्षाओं को दो पार्ट में, दो पीटकों में विभाजित किया गया था, संकलित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। किसने जो है पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने ध्रुव पर जब घूमता है उसकी वजह से प्रतिदिन जो है सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। ठीक है, तो आर्यभट्ट यहाँ पे आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, आर्यभट्ट क्या है आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, आर्यभट्ट जो है वो गुप्त काल के वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे और उसके साथ साथ ज्योतिषाचार्य भी थे, ज्योतिष भी जानते थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आर्यभट्ट जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध विद्वान भी थे। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है आर्यभट्टी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए, बताइए। तो साथियों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पटना। कहां पर? पटना। तो 25 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में दानापुर, जो कि पटना के अंतर्गत आता है, आप देखते होंगे जो पटना में दो स्टेशन, ये तो पटना स्टेशन है ना, राजधानी भी है, पटना के साथ एक पाटलिपुत्र स्टेशन भी है और उसके साथ साथ एक दानापुर स्टेशन भी है। ठीक है, तो दानापुर जो है वो पटना के अंतर्गत ही आता है। तो पटना रेजिमेंट के भारतीय सिपाहियों को जो है शामिल करके ये इस विद्रोह को किया था, 1857 का विद्रोह कुंवर सिंह के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जुलाई में शुरू किया गया था इस विद्रोह को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद में वो दानापुर के सिपाहियों के साथ मिलकर आगे जो है आरा शहर तक पहुंच करके उस पर कब्जा कर लेते हैं और जो है उनके खिलाफ लड़ते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। देखिए जितने भी क्वेश्चन ये हो रहे हैं, ये वाले मतलब जो मैंने बिहार स्पेशल बोला, उसका संबंध बिहार के किसी ना किसी न्यूज से है, जो कि इतिहास के रूप में हो चाहे वो वर्तमान के रूप में हो। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण है। ठीक है, 1917 याद रखिएगा, 1970 में अपने प्रसिद्ध जो उनका अस्त्र था, माना जाता है ना महात्मा गांधी का सबसे प्रसिद्ध अस्त्र, सबसे इंपॉर्टेंट जो अस्त्र था जिससे उन्होंने विजय प्राप्त किया, वो है सत्याग्रह। तो इसके प्रयोग जो है सबसे पहले चंपारण बिहार में ही किया गया था। ठीक है, हुआ क्या था, यहाँ का मुद्दा क्या था कि किसान जो थे उनको अपनी भूमि के 3/20, तीन कठिया प्रथा यही थी, 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसे तीन कठिया पद्धति कहा जाता था। ठीक है, मान लीजिए कि एक खेत है, उसको 20 हिस्सों में बांट दीजिए, उसमें से तीन हिस्से पर तो आपको नील की खेती करनी ही करनी है, ये होता था तीन कठिया प्रथा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को यहाँ पर इनवाइट किया था। शुरुआत में गांधी जी उतने फेमस नहीं थे, उतने ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे, हालांकि काफी बुद्धिजीवी में प्रसिद्ध थे, लेकिन जो आम जनमानस थे उनमें उतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे शुरुआती दौर में जब वो लौट कर आए थे। ठीक है, तो एक बार आप कमेंट करके बताइए कि गांधी जी कब लौट कर भारत आए थे साउथ अफ्रीका से, और उस दिन एक दिवस भी मनाया जाता है, आपको पता है ना, प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। तो आपको कमेंट करके बताना है कि किस दिवस को वो लौटकर वापस आए थे और सन क्या था, वर्ष। ठीक है, डेट, महीना और वर्ष बता दीजिए। तो ध्यान रखिएगा चंपारण, उनको जो इनवाइट करते हैं उस व्यक्ति के नाम, उस व्यक्ति का नाम है राजकुमार शुक्ल। उनके बुलावे पर जो है, उनके इन्विटेशन पर गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह आते हैं और यहाँ पर किसानों को 25% राशि व्यापारियों द्वारा वापस करनी पड़ती है उनके आंदोलन की वजह से, तो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था, जो कि मैंने अभी आपको डिस्कस भी किया है, तो अब आप आसानी से बता सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल। ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट जो है लिंक ही क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के, कौन सा टैक्स था जिसके विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया। एक तो नमक बनाया था है ना, और उसके साथ साथ वो जो विरोध किया था वो उससे किस टैक्स का विरोध हुआ था। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चौकीदारी। चौकीदारी याद रखिएगा, मतलब बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे, अगर आपने सतही तरह से पढ़ा है तो आप नहीं दे पाएंगे इसका उत्तर। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ध्यान रखिएगा ये जो आपका दांडी मार्च हुआ था उसके बाद वो सविनय अवज्ञा आंदोलन ही था, उससे जुड़ा हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर न अदा करने का आंदोलन चलाया गया था, और ये आंदोलन जो है खास करके आपका भागलपुर जिला जो है, मुंगेर, सारण, इन जिला में काफी ज्यादा सफल रहा था। ठीक है, और गांधी जी द्वारा जो दांडी सत्याग्रह था ये कब से शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता था। दांडी पहुंच करके वो जो है
गांधी जी एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर के जो नमक कानून होता है उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पर जो है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने एक तो नमक बनाने के साथ साथ जो है सरकार का विरोध किया, और उसके साथ साथ किसका विरोध किया था, चौकीदारी जो कानून था, चौकीदारी जो कर था उसको ना देने का अदा वो जो है आंदोलन चलाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के ये एक सेंटेंस है वो किस प्रदेश के बारे में, किस राज्य के बारे में आपको बताना है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे, उस प्रदेश का नाम बताना है। तो आसानी से बता सकते हैं इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिहार, है ना, शराबबंदी है तो समझ जाइए। तो शराबबंदी जो है आपका बिहार में इस समय है। और भी स्टेट है, कमेंट करके बताइए और किन स्टेट्स में भारत के शराबबंदी लागू है। तो बिहार यहाँ पर उत्तर है आपका। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों ने शराब पीने से परहेज करने का उन्होंने आग्रह किया था, और उसके बाद जो है सरकार के राजस्व में काफी कमी आई थी क्योंकि बहुत ज्यादा उसे टैक्स प्राप्त होता है। आज के समय में भी जो है अल्कोहल से काफी टैक्स सरकार को प्राप्त होता है, इसलिए बहुत सारी राज्य सरकार जो है उसको बंद नहीं करना चाहते क्योंकि उसे टैक्स उनको काफी मिलता है। जिसके बाद बिहार सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए जो प्रेरित करने की कोशिश की, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो काफी प्रतिभाशाली थे जिनको लोग फॉलो करते थे उनकी एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे, ताकि उनको लगे कि शराब पीने में कोई दिक्कत नहीं है, परहेज नहीं है। तो ये कोशिश थी ब्रिटिशों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया। अब ध्यान रखिएगा 1938 की बात हो रही है, ये आपका हिस्ट्री का पोर्शन है तो आपको बताना है बिहार स्पेशल हिस्ट्री का। इसका उत्तर है राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, ऑप्शन नंबर डी। फरवरी 1938 में बिहार की जो चुनी हुई सरकार थी उसने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के विवाद पर इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। बिहार सरकार का जो गठन है वो वर्ष 1937 के चुनाव के आधार पर हुआ था, जहां के पहले प्रधानमंत्री, और उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, मोहम्मद यूनुस खान थे, ठीक है। और कांग्रेस की ओर से बाद में सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था, जिसने राजनीतिक बंदियों के विवाद पर इस्तीफा दे दिया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, इस मुद्दे पर जो है इस्तीफा दिया था। बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया, वर्ष पूछ रहा है, एग्जैक्ट वर्ष। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1885। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 बंगाल सरकार का एक अधिनियम था, जिसमें व्यापक किसान आंदोलन के परिणाम स्वरूप जमींदार और उनके जो काश्तकार होते थे उनके अधिकारों का उल्लेख किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा स्वीकार किया गया था। पहले बिहार जो है ना वो इसी क्षेत्र में आता था, बंगाल के क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, बिहार भारत में कब एक स्वतंत्र एक प्रदेश स्टेट बना। तो साथियों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1912, ध्यान रखिएगा 22 मार्च 1912 को बंगाल का विभाजन किया गया और बिहार राज्य जो है वो अस्तित्व में आया। उस समय उड़ीसा भी बिहार में शामिल था, ध्यान रखिएगा, उस समय बिहार जो है उसमें उड़ीसा को भी शामिल किया गया था, बिहार में ही उड़ीसा था। बाद में जाकर के 1936 में जो है बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया था, तो ये ध्यान में रखिएगा। और 1947 की आजादी के बाद एक राज्य के तौर पर बिहार की भौगोलिक स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही थी, कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। बाद में 1956 में भाषा के आधार पर बिहार के जो पुरुलिया जिला है उसका कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया गया और बाकी बचे हुए से बिहार के हिस्से हो गए। और फिर बाद में चलकर नवंबर 2000 में जो है बिहार से झारखंड को भी अलग कर दिया गया था, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था, बिहार किसान सभा से निम्न में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद, ठीक है। बिहार में किसान सभा आंदोलन जो है वो सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में आरंभ हुआ था और 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, जिससे क्या हो किसानों की जो शिकायत है वो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश सरकार है, उसके समक्ष रखा जा सके। उसमें ये लोग जुड़े हुए थे, स्वामी सहजानंद। अब देखिए एक मिनट, यहाँ पे स्वामी सहजानंद ही नहीं जुड़े थे, राहुल सांकृत्यायन भी जुड़े हुए थे, है ना, उसके अलावा यदुनंदन भी जुड़े हुए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही होगा,
क्यों? क्योंकि उपयुक्त में एक से अधिक है, ये भी जुड़े हुए थे, ये भी जुड़े हुए थे, ये भी जुड़े हुए थे, है ना। इसलिए यहाँ पर उत्तर ये होगा, कार्यानंद शर्मा भी जुड़े हुए थे। ये दो नाम इतना नहीं पता, हालांकि मुझे भी इसमें दो ही नाम पता है, स्वामी सहजानंद और राहुल सांकृत्यायन, ये दो लोग जुड़े हुए थे, ये मुझे पता था, तो इसलिए उत्तर यहाँ पर ई होगा। लेकिन अगर आप आंसर में जाएंगे तो ये चारों व्यक्ति इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? आपको बताना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है वो कब गठित हुई। साथियों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1931 में, 1931 में जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। किसने किया? दो से तीन व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं, एक तो गंगासरण सिन्हा हैं, उसके अलावा रामवृक्ष बेनीपुरी हैं और रामानंद मिश्रा हैं। फिर से नाम बता दे रहा हूँ, गंगासरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा मिल करके 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं, ठीक है। औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत होती है 1934 में, लेकिन गठन होता है 1931 में। औपचारिक शुरुआत का मतलब स्थापना, मतलब प्रोफेशनल तरीके से काम करने की शुरुआत, और पटना के अंजुमन हाल में ही इसकी औपचारिक शुरुआत की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? बताइए इस प्रश्न का उत्तर, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 में बना, और इसमें प्रधानमंत्री, जो कि मैं आपको बताया कि मुख्यमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा बने, और अनुग्रह नारायण जो है वो उप प्रधानमंत्री बने थे। तो अनुग्रह नारायण सिंह जो है उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री कह सकते हैं, पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, और श्री कृष्ण सिन्हा जो है वो प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। आजादी के बाद 1947 में जो है मंत्रिमंडल जो बना था उसमें मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा बने और अनुग्रह नारायण सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था। और याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहार केसरी के रूप में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो श्री कृष्ण सिन्हा, जो कि 1937 में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री बने थे और आजादी के बाद बिहार के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल थे उसके मुख्यमंत्री जो है वो बने थे, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन है किसने कहा था, आपको बताना है। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, यह कथन किसने कहा था? ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो सारे के सारे पूछे गए हैं। इसका उत्तर है सी, सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा जो है यहाँ पे उत्तर आपका सही है। ये कथन जो है फरवरी 1903 में इंडियन पीपल नामक पत्रिका में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो बताइए कब बना बिहार एक भारतीय राज्य के रूप में? मैंने अभी बताया है, मतलब तीन से चार बार तो डिस्कस कर ही लिया है। इसका उत्तर 1936 में, 1936। कई लोगों के मन में 2000 आ रहा होगा, यहाँ झारखंड की बात नहीं हो रही है, बिहार की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा बाबूआ। इसका उत्तर 1936, तो भारतीय राज्य में के रूप में बिहार जो है वो 1936 में बना था। देखिए अस्तित्व में आया था बंगाल के विभाजन के बाद 1912 में, लेकिन उस समय उड़ीसा भी बिहार में शामिल था। 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया और तब जाके भारतीय राज्य के रूप में बिहार जो है 1936 में गठित हुआ था। तो थोड़ा सा अंतर शब्दों का हो सकता है, उसको समझिए, ठीक है। और जो आयोग है उसने 1936 ही उत्तर माना था, तो आपको तो 1936 ही मानना पड़ेगा। हो सकता है आपके मन में आ जाए कि भाई 1912 सही है, हो सकता है, लेकिन आयोग जब मान रहा है 1936, तो आपको 1936 से टिक करना पड़ेगा, है ना। चलिए बहुत अच्छे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? बताइए, थोड़ा सा बिहार का ज्योग्राफी भी है, तो इसका उत्तर है रोहतास पठार। रोहतास पठार जो कि बिहार के अंतर्गत है, ये हिस्सा जो है बिहार का भूतात्विक दृष्टि से बहुत ही पुराना है, काफी पुराना है। देखिए भौगोलिक तौर पर बिहार को तीन भागों में बांटा जाता है, एक तो उत्तर वाला क्षेत्र जिसको पर्वतीय या फिर तराई भाग कहते हैं, बीच वाला हिस्सा आता है जिसको विशाल मैदान कहते हैं, और दक्षिण वाला हिस्सा जहां पर पहाड़ी किनारा है। तो रोहतास का पठार जो है वो दक्षिणी पहाड़ी का भाग है, तो ध्यान रखिएगा किसका भाग है, दक्षिणी पहाड़ी का भाग है। और रोहतास का पठार सबसे प्राचीन भू आकृत प्रदेश है, क्यों? क्योंकि दक्षिणी पठारी भाग का हिस्सा है जो कि कैमूर की पहाड़ी का अवशिष्ट है। तो आप तो समझ गए होंगे लिंक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है,
किस प्रकार की मिट्टी से, अच्छा जो मतलब बिछा हुआ है ना, वो मिट्टी ज्यादा पाई जा रही है। इसका उत्तर है कछारी मृदा से, कछारी मिट्टी से। बिहार में मुख्य रूप से तीन प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक तो आपकी पहली होती है पीडमांट दलदली मिट्टी, दूसरी आपकी तराई मिट्टी और तीसरी है जलोढ़, जल के द्वारा ढोई गई जलोढ़ मिट्टी। बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वो मध्यवर्ती विशाल मैदान के अंतर्गत आता है और इसमें आप मुख्य रूप से देखेंगे तो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के अपवाह वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसे कछारी मृदा या फिर जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। तो यहाँ पर कहीं आपको जलोढ़ दिख रहा है, सॉरी कछारी दिख रहा है नहीं ना, लेकिन कछारी मृदा को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा, क्योंकि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र से संबंधित है। तो ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बता दिया ना, अब आगे से पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। एक तो पीडमांट, दूसरा कौन सा, पीडमांट दलदली मिट्टी, तराई मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी मतलब ही कछारी मिट्टी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर यानी 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग बताना है आपको कि दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है, न्यूनतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत के राज्यों में कौन सा है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सर्वश्रेष्ठ स्थान है, पहला स्थान है, ध्यान रखिएगा। काफी शिक्षा पे कार्य किया जा रहा है इसलिए यहाँ की शिक्षा स्तर जो है काफी बेहतर है, देख लीजिए। तो निम्नतर स्तर है, सरकारें क्या कर रही हैं उस पर थोड़ा विचार करिएगा। तो निम्नतर साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, और केरल जो है भारत का सबसे साक्षर राज्य है, जहां पर 93.91% साक्षरता दर है और भारत में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में ही है, यहाँ पर लगभग 61.82 साक्षरता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा पूरे भारत में महिलाओं की भी साक्षरता दर बिहार में ही कम है, बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.29% है, महिला साक्षरता दर 51.5% है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए तो यहाँ पर आपका जो क्लास है वो समाप्त होता है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डेली बेसिस पर क्लास कराए जा रहे हैं तो आप क्लास जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब का बटन होगा उसको प्रेस करिएगा और बेल आइकन घंटी आइकन को ऑन कर लीजिएगा जिससे क्लासेस की सूचना आपको मिलती रहे, ठीक है। तो एंड करते हैं क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट नंबर 6 में। अगले क्लास में पूरे करंट अफेयर के साथ भी आपको क्लास प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।